हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑफ क्लास 10। बहुत ही मज़ेदार पोएम है और देखते हैं कि क्या है इस पोएम में और थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। इस पोएम को लिखा है ओगिन नैश ने। ओगिन नैश जो है उन्होंने लगभग 400 से ज़्यादा जो है ऐसी कॉमिक वर्स लिखी है। ये पोएम एक्चुअली इस खासियत क्या है, कॉमिक वर्स है। कॉमिक मतलब जो है बहुत ही मज़ेदार है, मतलब हंसी वाली है। और ये एक्चुअली में बैलेट भी है। बैलेट क्या होती है, एक ऐसी पोएम जिसमें एक कहानी हो, तो इस पोएम में क्या है, बैलेट है, एक कहानी भी है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, बैलेट भी कहेंगे। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स। उनके जो मतलब सारे जो बहुत अच्छे काम थे उनको 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था बिटवीन 1931 एंड 1972। 1931 से लेकर 1972 के बीच। हिज वर्क इज़ परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन हिज पोएटिक ट्रिब्यूट बाई एंथोनी बर्जेस। एंथोनी बर्जेस ने जो है उनके लिए एक पोएटिक ट्रिब्यूट जो है पब्लिश किया था, उनमें उनके सारे काम को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ही ब्रॉट अ न्यू काइंड ऑफ साउंड टू आर लिटरेरी डिविजन्स डाइवर्जेंस। उन्होंने मतलब एक तरीके से नई चीज़ जो है लोगों को दी थी, एक बैलेट के रूप में जो है एक फनी पोएम के रूप में एक नई चीज़ दी थी। एंड डिडंट केयर मच अबाउट ब्रेकिंग द पोएटिक लॉज ऑफ द मीड्स एंड द पर्सियंस। और उन्होंने जो है मतलब तमाम जो क्या नाम है लोगों ने पोएटिक लॉ बनाए हुए थे कि पोएम ऐसी होनी चाहिए, पोएम ऐसी होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से ऐसा मीटर होना चाहिए, इन सब सारे कानून को उन्होंने काफ़ी जो है तोड़ दिया था। उन्होंने अपने तरीके से लिखा था। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम। और फाइनली जो है एक ऐसी पोएम जो है उनकी जो है तैयार होती थी जिसमें क्या होता था, एक राइम होता था। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज़ व्हाट इज़ हिज जीनियस चीफली लब्स। और इस तरीके से जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ों को इकट्ठा करके जो लेके आते थे वो पूरी तरीके से जीनियसनेस से भरी हुई चीज़ हुआ करती थी। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हियर बट ही इज़ प्रॉबली क्वाइट इनइमिटेबल। और जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं जो क्या नाम है उन जो राइटर एंथोनी बर्जेस कहते हैं कि मैं उनकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा उनकी कॉपी करूँ, पर मैं शायद उनकी कॉपी नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेट। ये पोएम किस स्टाइल में लिखी गई, बैलेट के स्टाइल में लिखी गई। बैलेट मैंने बताया क्या होता है, एक ऐसी पोएम जिसमें कहानी हुआ करती है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेट्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेट क्लोज टू अ पैरोडी। और इस तरीके से इस ऐसी पोएम को हम पैरोडी भी कह सकते हैं। ये तो क्या है, पैरोडी भी है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। और जो है इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है एक्चुअली मैं एक ऐसी ही पोम अपने लास्ट ईयर क्लास 9 में पढ़ी होगी, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। वो भी क्या थी, एक बैरेट थी, बट इट वाज नॉट ह्यूमरस। दिस वन इज वॉट ह्यूमरस। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। तो बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती है जो क्या करती है, छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, मतलब उसके घर का नाम क्या है, व्हाइट हाउस है। उसके कुछ पेट भी हैं, उसके पेट क्या क्या है, एक लिटिल ब्लैक किटन मतलब एक छोटी सी काली बिल्ली है एंड अ लिटिल ग्रे माउस और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है एंड अ लिटिल येलो डॉग और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है एंड अ लिटिल रेड वैगन और एक छोटी सी लाल रंग की उसके पास गाड़ी है एंड अ रियली ट्रूली। और हाँ, रियली ट्रूली क्या है, रियली एंड ट्रूली का डिस्टॉर्टेड जो है फॉर्म है। तो ये एक तरीके क्या है, इस पोएम की क्या है, पोएटिक लाइसेंस भी है इसे कह सकते हैं। तो ये रियली और ट्रूली क्या है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ रियली एंड ट्रूली। और सच में रियली और ट्रूली उसके पास क्या था, एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी था। अब ये जो है पेट ड्रैगन क्या है, ये ऑक्सीमोरन है एक तरीके से। ऑक्सीमोरन क्या है, मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर पेट भी है, ड्रैगन भी। भाई ड्रैगन कैसे पेट हो सकता है, तो ये क्या है। इस तरीके से बेलिंडा नाम की एक लड़की के बारे में जो है फिर बता रहे हैं कि बेलिंडा एक लड़की है जो व्हाइट हाउस में रहती है, उसके पास एक काली बिल्ली है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक सच में उसके पास क्या है, पेट ड्रैगन भी है। आगे देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। उसका जो छोटी सी उसकी काली बिल्ली थी उसका नाम था इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो उसका ग्रे कलर का माउस था उसको ब्लिंक बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो उसका येलो कलर का जो डॉग था वो काफ़ी तेज था, उसको मस्टर्ड बुलाती थी। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। लेकिन उसका जो ड्रैगन था वो क्या था, कावर्ड था, मतलब डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और वो उसको क्या बुलाती थी, कस्टर्ड।
कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके क्या थे, बड़े बड़े बहुत तेज दांत थे, नुकीले दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और सबसे ऊपर क्या क्या थे उसके, स्पाइक्स थे और नीचे क्या थे, स्केल्स थे। दिखा देते थोड़ा सा स्पाइक एंड स्केल, ये जो है ना आप इसको देख सकते हैं, ये जो इसकी जो कहना है सरफेस के ऊपर इसके जो बना हुआ है इसे क्या कहेंगे, ये जो है ना पार्ट इसे स्पाइक्स कहते हैं, और ये स्केल है, ये वाला हिस्सा क्या है, स्केल है। तो इस तरीके से कहती है कि उसके क्या थे, ऊपर स्पाइक्स थे और क्या थे, नीचे क्या थे, स्केल्स थे। और जो है उसका मुंह कैसा था, जो है भट्टी जैसा था, आग उगलता था, और नाक कैसी थी, चिमनी की जैसी थी। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रैगन के बारे में लोग बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके खूब बड़े बड़े दांत थे, खूब नुकीले दांत थे, ऊपर स्पाइक्स थे, नीचे क्या थे, स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और मुंह कैसा था, भट्टी के जैसा था, फायर प्लेस के जैसा, चिमनी फॉर अ नोज, और नोज कैसा था, चिमनी के जैसा। एंड रियलियो चूलियो टैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी जो उंगलियां थी पैरों की वो तो ऐसा लग रहा था कि क्या ना छुरी हो, छुरी की तरह थी, टैगर मतलब छुरी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब बेलिंडा के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि बेलिंडा क्या थी, इतनी बहादुर थी कि जितना एक ड्रम भर के बेयर को जो है, बेयर मतलब भालू, एक ड्रम भर के भालुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, ढेर सारे भालुओं को, तो जितना वो बहादुर होंगी उतना ही बहादुर कौन थी, बेलिंडा थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक तो इतने बहादुर थे कि वो लोग जो है शेर को भी जो है खदेड़ के नीचे, सीढ़ियों के नीचे पहुँचा देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर था कि जितना कि बहादुर एक टाइगर होता है, कब, जब वो गुस्से में होता है, रेज में होता है, रेज मतलब गुस्सा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या था, वो हमेशा चिल्लाता था मेरे लिए एक बहुत छोटा सा जो है एक सेफ केज मंगा दीजिए, मैं उसी में रहूँगा, मुझे बाहर नहीं निकलना, मतलब वो डरपोक था, बहुत डरता था। ठीक है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा क्या करती थी, उसको गुदगुदी लगाती थी, खूब गुदगुदी, इतना गुदगुदी लगाती थी एकदम पूरी तरीके से बेचारा जो रोने को, बहुत ही अनमर्सीफुल तरीके से जो है उसको अनमर्सीफुल मतलब जो है बिल्कुल जरा भी दया नहीं करती थी, इतनी गुदगुदी लगाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड वो उसको क्या करते, चिढ़ाते थे, ए परसिवल। परसिवल क्या हुआ करता था, किंग अर्थर के जो है राज्य में एक योद्धा हुआ करता था, जिसको लोग सोचते थे कि बहुत बहादुर है, पर एक्चुअली में बहादुर नहीं था, एक बार जो है कुछ लड़ाई वड़ाई हुई तो उसमें वो भाग गया था, है ना, तो इसीलिए उसको परसिवल चिढ़ाते थे सब लोग। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और सब वो सब सबके सब कहाँ बैठ जाते थे, उस छोटी सी लाल वाली गाड़ी में, खूब उसके ऊपर हंसते थे। एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसते थे, उस बेचारे जो है कावर्ड जो है कायर डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंसते थे। बेलिंडा गीगल टिल शी शुक द हाउस, और जब बेलिंडा हंसती थी तो इतना हंसती थी कि घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक हंसने के लिए क्या बोलता था, वीक, ये क्या है, उसका साउंड है, एक्चुअली हंसने का साउंड है, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड ट्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जब भी कस्टर्ड जो है कहता था मेरे लिए एक बढ़िया सेफ केज मंगा दीजिए, पिंजड़ा मंगा दीजिए, मुझे उसमें रहना है, तो जो है इंक और मस्टर्ड क्या करते थे, उसको चिढ़ाते थे, ए तुम्हारी उम्र क्या है जी, कितनी, व्हाट्स योर एज, मतलब इस तरीके से उसको चिढ़ाते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, और तभी अचानक से क्या होता है, एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा, बहुत ही भयानक सा साउंड होता है, नेस्टी मतलब अनप्लेजेंट, एक बहुत ही भयानक सा साउंड होता है। एंड मस्टर्ड ग्राउंड, और मस्टर्ड क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब बार्क है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब लोग आसपास देखना शुरू कर देते हैं। म्याउच क्राइड इंक, और इंक कहती है म्याउच। एंड ऊह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कैसे कहती है, ऊह, फॉर देर वॉज अ पायरेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ चुका था क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि विंडो पे चढ़ रहा था, विंडा मतलब विंडो है, यहाँ पे विंडो का डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्या है, विंडा है। तो क्या हुआ था, बेलिंडा के घर पे एक जो है पायरेट आ चुका था और वो चढ़ रहा था खिड़की पे। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास प्राइड, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था, राइट में भी पिस्टल था, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास प्राइड, और उसके जो है दांत में एक जो है बढ़िया सा चमकता हुआ जो है चमकती हुई छुरी, चमकती हुई तलवार थी उसके दांतों में, कटलास ब्राइट मतलब एक चमकती हुई जो है तलवार टाइप की। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी कैसी थी, एकदम ब्लैक,
वन लेग वॉज वुड, उसका एक पैर क्या था, लकड़ी का था. इट वॉज क्लियर दैट पैर इट मीन नो गुड, और उसको देखने पर लगता था कि उसका इरादा नेक नहीं है, वो कुछ यहाँ पे कांड करने आया. बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प. बेलिंडा एकदम पीली पड़ गई, चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, मतलब बहुत तेज़ से चिल्लाने लगी. बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड यल. लेकिन मस्टर्ड बेचारा जो है एकदम बहुत ही कस के चिल्लाया, अरे भागो, और भागते हुए जो है वहाँ से निकल गया. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है रैन डाउन, ट्रिकल ट्रिकल का मतलब रैन डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो है घर में नीचे भाग गई हो. एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, जो छोटा सा माउस था ब्लिंक, वो भी क्या हो गया, चुपके से अपने माउस होल्ड. माउस होल्ड का मतलब यहाँ पे चूहे का घर है, मतलब उसके लिए जो चूहे का रहने की जगह होगी उसे क्या है पोएट ने माउस होल्ड कहा है, तो वहाँ पे वो भाग गया. बट अप जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. लेकिन तभी क्या हुआ, कस्टर्ड जंप करके खड़ा होता है एकदम जो है बहुत तेज़ी से, इंजन की तरह से जो है आवाज़ निकालते हुए. स्नॉटिंग क्या है, एक बहुत ही भयानक जो है तेज़ साउंड जो है निकालना, ठीक है, इंजन की तरह आवाज़ निकालते हुए खड़ा हुआ. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, और अपनी जो है टेल को अपनी पूंछ से जो है लड़ना शुरू कर दिया. इस तरीके से लड़ा जैसे लग रहा है कि कोई जो है अंडरग्राउंड डंजन, मतलब अंडरग्राउंड जेल, कोई अंडरग्राउंड जेल के अंदर कोई जो है कोई उसकी जेल की सलाखों से कोई आयरन की पट्टी करा रही है खूब तेजी से, उससे लड़ना शुरू कर दिया. विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विर्म, और जो है साउंड बहुत भयानक भयानक आने लगी. क्लैटर एंड क्लैंक, जैसे मतलब हैवी मेटल एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं ना, वैसी कुछ आवाज़ आने लगी ना, क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेयर, ये सब जो है क्या है हैवी मेटल के गिरने की आवाज़ है. ही वेंट एट द पैरट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो क्या हुआ पैरट के ऊपर झपटा, ऐसे झपटा जैसे रॉबिन नाम की एक बर्ड होती है जो कि किसी कीड़े के ऊपर झपटती है, वैसे ही कुछ उसके ऊपर वो झपट पड़ा. द पैरट गिव डेट बेलिंडास ड्रैगन, पैरट जो है बेलिंडा के ड्रैगन को बहुत ही मुंह खोल के बहुत भचक्का सा देखता, हाँ ये क्या है कहाँ से आया. एंड कल्प सम क्रॉस फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और फिर उसके बाद जो है अपने पॉकेट से फ्लैगन निकालता है. फ्लैगन क्या होता है, एक तरीके का जो है पॉट होता है, और वो फ्लैगन निकाल के मतलब सिल्वर कलर, सिल्वर से बना हुआ एक पॉट होता है जिसमें जो है नॉर्मली लोग स्टोर करते हैं कोई अल्कोहलिक ड्रिंक, और ग्रॉज क्या है एक अल्कोहलिक ड्रिंक है. वो एक अपने पॉकेट से फ्लैगन निकालता है, उससे ग्रॉज को पी जाता है. गल्प का मतलब निकलना. ही फायर्ड टू बुलेट्स, उसने दो गोलियाँ चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो किसी को नहीं लगी. एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और तब तक कस्टर्ड ने उसको जो है एकदम मुंह खोल के अपना उसको निगल लिया था, पूरा का पूरा निगल गया. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा क्या कि उसको गले लगा लेती है. मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड आके उसको चाटना शुरू कर देता है. नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी उस बेचारे पायरेट के लिए दुखी नहीं था. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक तो इतना खुश थे, ग्ली मतलब हैप्पी, गायरेट मतलब डांस कर रहे थे, खूब चारों तरफ से चक्कर लगा लगा के डांस कर रहे थे. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पैरट, किसके तरफ चक्कर लगा रहे थे, ड्रैगन के जिसने पैरट को खा लिया था. बट प्रेजेंटली अप स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अभी क्या होता है छोटा सा डॉग मस्टर्ड बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बहादुर हुआ करता, इसका दोगुना बहादुरी का काम करता अगर मैं कन्फ्यूज ना होता. फ्लस्टर्ड मतलब कन्फ्यूज. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अच्छा तब तक इंक और ब्लिंक भी बुरुट थे. यू वुड हैव बीन देयर थ्री टाइम्स एज ब्रेव, और तुम क्या, मैं तो हम लोग तो तीन गुना बहादुरी से लड़े होते, वी थिंक, हमको पता है. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड कहता हाँ बिल्कुल एकदम, तुम लोग सही कह रहे हो, तुम दो गुना और तुम दोनों तीन गुना बहुत ज़रूर बहादुरी से लड़े होते. मैं इस बात से एग्री भी करता दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, तुम सब जो है मुझसे ज़्यादा बहादुर हो, मैं बहादुर नहीं हूँ, मुझे तो डर लगता है. इस तरीके से कस्टर्ड उस बात पे एग्री भी कर लेता है. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी उसी वाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, अपनी जो है ब्लैक किटन और अपने ग्रे माउस के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग और अपने येलो डॉग के साथ, एंड लिटिल रेड वैगन और अपनी लाल वाली गाड़ी के साथ, एंड हर रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो है सच में वो छोटा सा पेट ड्रैगन. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा क्या है बैरल फुल ऑफ बेयर्स के जितना बहादुर है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायन डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि वो शेर को भी नीचे खदेड़ दें. मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, मस्टर्ड तो इतना बहादुर है कि जो है टाइगर गुस्से में उतना, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, कस्टर्ड जो है हमेशा सेफ केस के लिए चिल्लाता रहता है. सो तो ये तो थी मैम जो है हो गए नेशनल की से, और
किसके बारे में थी, बेरिंडा के बारे में और बेरिंडा के पेट्स के बारे में। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, पढ़ाई में बिजी। आगे मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ।